गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में पहला लेसन है आपका भाषा और लिपि। इसके अलावा दो और चीजें हैं, बोली और व्याकरण के अंतर्गत जो चीजें हैं ये भी बताऊंगा व्याकरण और साहित्य में। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे भाषा क्या है और भाषा के विभिन्न रूप क्या क्या होते हैं, लिपि किसे कहते हैं और हिंदी की लिपि क्या है, अन्य कुछ भाषाओं की लिपियों की भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे हम पहले चर्चा करेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में अगर उसको रहना है तो अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान भी करना है। तो भाव और विचार जो है इनका आदान प्रदान करने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वही माध्यम हमारी भाषा कहलाती है। अब आपने देखा होगा कि हम मुख से बहुत सारी ध्वनियां निकालते हैं, जैसे तमाम गूंगे लोग होते हैं वो भी ध्वनियां निकालते हैं, आ आ करते रहते हैं, तो उनका कुछ समझ भी नहीं आता है। इसी प्रकार से हम ध्वनियां को निकाल सकते हैं, दूसरे को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक ध्वनि को सार्थक ना हो, उस ध्वनि का कोई मतलब ना निकलता हो, तब तक हम अपनी बात दूसरे को नहीं समझा सकते। तो हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वो ध्वनियों का सार्थक समूह है। भाषा ध्वनियों का सार्थक समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे। भाषा सार्थक ध्वनियों का समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं इसको। निष्ठा पांडे बेटा आवाज आ रही है? निष्ठा यस सर। बेटा पढ़ते सुनाओ, क्या लिखा है? सब बुक नहीं है। अरे बोर्ड में लिखा हुआ है सामने। भाषा सार्थक ध्वनियों का समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा, तो सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, अपने रफ में अभी नोट कर लेंगे, नोट बुक बनाना इसके व्याकरण की। ठीक है, आप इसको लिखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यस सर। तो भाषा सार्थक ध्वनियों का एक समूह है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ मेरे मुंह से ध्वनियां निकल रही है, लेकिन ये ध्वनियां ऐसी है जिनका कोई अर्थ निकल रहा है, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भाषा के रूप।
भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। बोलो ध्यान से सुनिए, भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, पहला मौखिक होता है, दूसरा लिखित होता है। मौखिक क्या होता है? जब हम कोई बात बोल करके किसी को बताने की कोशिश करते हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान बोल करके करते हैं और सुन करके करते हैं, तो मौखिक दो चीजें प्रमुख होती है, बोलना और सुनना। और लिखित में जब विचारों का आदान प्रदान लिख करके किया जाता है और दूसरा व्यक्ति आदान कैसे करता है लिखी हुई चीज को देख कर, तो इसमें लिखना होता है और माइक बंद करके रखें। तो दूसरे में लिखना मुख्य होता है और देखना, तो पहले में बोलना और सुनना, दूसरे में लिखना और देखना। और जो सांकेतिक भाषा होती है, ये भी एक प्रकार की भाषा ही होती है, लेकिन व्याकरण में इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि व्याकरण वस्तुनिष्ठ होता है, व्याकरण उन्हीं चीजों को महत्व देता है जो 100% सही होती है। उदाहरण के लिए कि अगर हम एक उंगली दिखाते हैं तो इस एक उंगली का मतलब एक भी होता है, क्रिकेट में एक उंगली का मतलब आउट भी होता है ना, एक उंगली का मतलब तुम्हारी एक रुपया भी होता है। तो इस सांकेतिक भाषा का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, इसलिए व्याकरण में इसको शामिल नहीं किया गया। तो मौखिक और लौकिक में अंतर करके ऐसे क्या होता है, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, जब हम बोल करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है, जब लिख करके करते हैं तो वह लिखित भाषा होती है। इसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न भाषाओं की, ठीक है? तो इसको हम प्रेस के लेते हैं, अब हम अगली चर्चा करते हैं भारतीय संविधान में भाषाएं। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। हमारे हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी है आपको याद रखना चाहिए, तो बहुत संक्षेप में और बहुत जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ, तो सभी लोग नोट कर लेंगे। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं
तमिल की गई है। पहला सबसे पहला ये कि हम हिंदी पंजाबी गुजराती नेपाली सर राजस्थानी सर मलयालम तमिल सर अरबी अरबी बाहर कर दूंगा माइक सबके म्यूट होने चाहिए नहीं तो मैं उसको म्यूट कर दूंगा जय जो हो अगर किसी ने बात किया ठीक है इसके बाद बंगाली बहुत सारी भाषाएं हैं उनमें से एक होगा आपके लिए इंडिया हरियाणा ठीक है इतनी आप याद कर लीजिए शेष मणिपुरी कोंकणी संथाली बोडो मैथिली सिंधी नेपाली डोगरी ये बहुत सारी भाषाएं हैं तो इनकी आवश्यकता नहीं है आपको ये याद करने की जितना मैंने बता दिया इसको जो है आप कर सकते हैं नोट कर लिया आपने इसको हमने यस सर यस बहुत अच्छा चलिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भाषा के लिखित रूप भाषा के लिखित रूप तो भाषा के लिखित रूप में मुख्य रूप से पहला है मातृभाषा दूसरा है राष्ट्रभाषा तीसरा है राज्य भाषा और चौथा है मानव भाषा तो भाषा में जो लिखित रूप है वो मुख्य रूप से चार होते हैं पहला है मातृभाषा दूसरा राष्ट्रभाषा तीसरा राजभाषा और चौथा मानव भाषा तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूं मातृभाषा क्या होती है मातृभाषा से मतलब ये होता है कि व्यक्ति जहां जन्म लेता है जिस परिवार में रहता है उस परिवार की जो भाषा है
वो मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा से मतलब माता की भाषा सामान्य अर्थ में, लेकिन इसको ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि मान लीजिए किसी की माँ इंग्लैंड की है और भारत में उसका ब्याह हो गया, भारत में वो रहने लगी और उसके बच्चे और उसके परिवार की भाषा सबकी हिंदी है और उसके माता की भाषा, उस बच्चे की माता की भाषा सबकी अंग्रेजी है और वो भारत में जीवन व्यतीत किया, भारत में पैदा हुआ, तो आप कहेंगे मातृभाषा तो इसकी अंग्रेजी होनी चाहिए। तो मातृभाषा से मतलब केवल माता की भाषा नहीं है, मातृभाषा से मतलब व्यक्ति ने जहाँ जन्म लिया है और जिस परिवार में रहा है उस परिवार के पास पड़ोस की उसके क्षेत्र की है ना वो जो भाषा होती है वो सब मातृभाषा के अंतर्गत आएगी। अर्थात जो कोई व्यक्ति पंजाब में जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा पंजाबी और कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा मराठी। ये हो गई मातृभाषा, यानी व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है उसके परिवार की जो भाषा होती है पास पड़ोस के क्षेत्र की भाषा होती है वो मातृभाषा के अंतर्गत आएगी। राष्ट्रभाषा, किसी देश में सर्वाधिक आबादी वाली आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। हिंदी बिल्कुल। तो इसलिए भारत की राष्ट्र की भाषा क्या हो गई? हिंदी। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा लोग जिस भाषा को बोलते हैं वो राष्ट्रभाषा हो जाती है। और राजभाषा, राजभाषा वही भाषा होती है जिसको सरकार संविधान में मान्यता प्रदान करती है, लिख देती है कि यही भाषा हमारे सरकारी कामकाज की भाषा होगी, यानी कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में आदान प्रदान जो सरकारी कार्यालयों में होंगे या जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होगी उस शिक्षा व्यवस्था की भाषा, जहाँ कहीं भी सरकारी कामकाज या शिक्षा व्यवस्था में इस भाषा का प्रयोग किया जाएगा लिखित रूप में वो राजभाषा कहलाएगी। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, यानी भारत की राष्ट्रभाषा भी हिंदी, भारत की राजभाषा भी हिंदी और हम उत्तर भारतीय लोगों की मातृभाषा भी हिंदी। दक्षिण भारतीय लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो तो तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है। ठीक है, तो राजभाषा के बारे में समझ में आ गया होगा कि सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो राजभाषा होती है और हमारी राजभाषा हिंदी है। और इसका याद रखिएगा, यानी हमारी जो राजभाषा है हिंदी, ये 14 सितंबर 1949 को घोषित की गई थी, संविधान द्वारा स्वीकार की गई थी, इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा का मतलब होता है, मानक का मतलब होता है एक निश्चित रूप। जैसे हम जो हिंदी बोलते हैं बिहार के लोग जो हिंदी बोलते हैं, हरियाणा के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, अलग अलग प्रदेशों के जो लोग हिंदी बोलते हैं उनमें सब में एक अंतर होता है, सबके लय में, सबके तरीके में, क्रियाओं के रूप में, प्रत्यय के रूप में बहुत सारे अंतर होते हैं, तो इससे हिंदी के अलग अलग रूप हो जाते हैं। तो विद्वानों ने हिंदी को एक निश्चित रूप प्रदान करने के लिए उसकी मानक शब्दावलियों का प्रयोग किया है कि वो चाहे हरियाणा का व्यक्ति हो चाहे बिहार का व्यक्ति हो वो एक जैसी भाषा बोलेगा। जैसे कि स्कूलों में कोई शिक्षक पढ़ाने जाएगा, चाहे वो बिहार का व्यक्ति हो हरियाणा के स्कूल में पढ़ाने जाएगा, तो बिहार का प्रभाव नहीं रहेगा उसकी भाषा में, वो एक मानक भाषा का प्रयोग करेगा, न तो उसमें हरियाणा का प्रभाव रहेगा, न तो बिहार का, न यूपी का, न एमपी का, वो एक निश्चित रूप की भाषा को बोलेगा, वो मानक भाषा कहलाती है। यानी भाषा का एक निश्चित रूप जो सब जगह एक सा होता है वो मानक भाषा कहलाता है। तो हम जो अभी जिस भाषा में बात कर रहे हैं एक मानक भाषा है, जिस भाषा में आपको पढ़ाता हूँ एक मानक भाषा है। ठीक है, और चाहे तो कहीं के व्यक्ति आ जाएगा तो हिंदी बोलेगा तो मेरी तरह हिंदी बोलेगा, इसलिए मानक भाषा कही जा रही है। तो उम्मीद है आपको ये सभी भाषाएं समझ में आ गई होंगी। चलिए तो किसी से कुछ पूछ लेते हैं, देखते हैं कोई कुछ बताएगा।
मेरा एक प्रश्न है, राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा स्वर्णिमा बताओगी बेटा राष्ट्रभाषा क्या है? यस सर। सर राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जैसे किसी भी देश का अधिकतर अधिकतर सर अगर किसी भी देश के लोग जो अधिकतर भाषा बोलते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा और मैं आपको आगे बताता हूँ लिपि किसको कहते हैं। तो अभी मैंने कहा था कि भाषा ध्वनियों का सार्थक समूह है, भाषा ध्वनियों का सार्थक समूह है। तो बात ये आती है कि ध्वनि को तो हम उनसे बोल सकते हैं, आप मेरी बोली हुई ध्वनि को आप सुन सकते हैं, लेकिन मुझे उस ध्वनि को लिखना है तो मुझे कुछ चिन्हों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरे मुँह से ध्वनि निकली आ, तो आ तो निकल गए लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, कुछ चिन्ह बनाएंगे, है ना। तो आ लिखना है उसको, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आ हो गया और आ ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का हो गया। ये चिन्ह रोमन का है, ये रोमन का चिन्ह है और ये देवनागरी का है, इसका ये देवनागरी का है। तो बड़ी आसान परिभाषा बनेगी ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। माइक बंद करें, आवाज आ रही है। तो ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, मुंह से जो भी आवाज निकलती है उनको हम किसी लिखित चिन्ह के द्वारा प्रकट करना होता है, तो उन्हीं चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। तो आप कह सकते हैं लिपि का जो दूसरा नाम है वो चिन्ह, लिपि एक प्रकार के चिन्ह। ठीक है, आपको कुछ प्रमुख लिपियां है जो मैं नाम लिखता हूँ। भाषाओं की जो लिपि है वो है देवनागरी, याद रखिए। ठीक है, हिंदी संस्कृत और मराठी की लिपि है देवनागरी। अब हम पूछ सकते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा आप कैसे हो कहते हो अंग्रेजी या इंग्लिश जिसको आप बोलते हो, तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन। इसी प्रकार से एक भाषा है पंजाबी, तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। ठीक है, तो ये कुछ भाषाएं हो गई
और ये कुछ जैसे का दौर है उर्दू और अरबी, ठीक है। तो उर्दू भाषा जो होती है उर्दू या अरबी भाषा है, इसकी उपी है फारसी। बस क्या होता है उर्दू वो समझते होंगे, हिंदी संस्कृत और मराठी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू और अरबी की लिपि है फारसी। तो उम्मीद है ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, कुछ एक गलतियां हैं तो टाटा ये समझ में आया आज जो मैंने पढ़ाया आपको? यस सर। यस सर। चलिए तो कुछ पूछते हैं। यस सर। अमिता गर्ग, अमिता गर्ग आवाज आ रही बेटा? अपना माइक ऑन करिए अमिता गर्ग। हाँ, आपको ये बताना है कि हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी की लिपि क्या है? अच्छा, चलिए, नहीं आवाज आ रही है। प्रखर, प्रखर सिंह बोलना चाहते हो? बोलो बेटा। यस सर, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, बहुत अच्छा। और अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन लिपि। रोमन लिपि है, चलिए। अच्छा, ये ज्ञानेंद्र कुछ बोलना चाहता है, ज्ञानेंद्र को एक प्रश्न का उत्तर देना है। सर आंसर देना था। तुम्हें बताना है कि बोली किसे कहते हैं। किसी चीज में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा बोली कहलाती है। चलिए, तो बोली क्या है इसके बारे में और हम कल पढ़ेंगे। बोली क्या है, व्याकरण क्या है, सारी चीजें हम कल जानेंगे, जो भी कई समस्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सब लोग नोट बना लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसके बाद आपको चेक करवाना होगा एग्जाम में, इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो और कुछ पूछना किसी को? नो सर। समाप्त करें? नो सर। समाप्त करें? यस सर। यस सर। ओके सर, थोड़ा साइड हो जाइए सर, स्क्रीन शॉट ही लेना। हां, ले लिए।